स्टाइल व्लॉग्स। और आज मैं बहुत टाइम के बाद इतनी सुबह व्लॉग कर रही हूँ। तो जब राज 10 मंथ्स का था तो हम लोग शिमला गए थे उसको लेके, मतलब तो फर्स्ट टाइम मैंने तब 5 बजे व्लॉग स्टार्ट किया था सुबह, और आज सेकेंड टाइम मैं इतनी अर्ली मॉर्निंग व्लॉग कर रही हूँ। और आज तो बहुत ही अर्ली है, इट्स 3:20 इन द मॉर्निंग। सो मैं कहाँ जा रही हूँ और मैं क्यों जा रही हूँ, और वो भी इतनी सुबह। तो यस, मैं जा रही हूँ हैदराबाद। और मैं क्यों जा रही हूँ, एक्चुअली जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको मालूम होगा, मेरी और पीके जी की ऑफिस की जॉइनिंग दोनों की हैदराबाद हमारी बेस लोकेशन है। बट कोविड के टाइम पे हम लोग इधर आ गए थे, तो तब से हम लोग इधर ही हैं कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो इसलिए हम लोग गए नहीं। सो यस, अभी पीके जी को ऑफिस का कुछ काम है, तो एक रीज़न तो वो है, दूसरा रीज़न है मेरी एक फ्रेंड है, उसका बेबी शावर है। सो हम लोग उसका फंक्शन अटेंड करने भी जा रहे हैं। और मैं हैदराबाद ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद जा रही हूँ। सो जनवरी 2020 में मैं वहाँ से आ गई थी, एंड इट्स अक्टूबर 2021 नाउ। सो विराज कि ये हैदराबाद की फर्स्ट ट्रिप है, तो वहाँ पे हमारे फ्रेंड्स मतलब विराज से फर्स्ट टाइम मिलेंगे। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा एक्साइटमेंट भी है, तो बहुत खुश भी हूँ मैं कि इतने टाइम बाद सब लोगों से मिलूँगी। तो यस, हम लोग हैदराबाद जा रहे हैं इसीलिए। और 7:10 की हमारी फ़्लाइट है, सो हम लोग यहाँ से 4 o'clock निकल जाएंगे, बिकॉज़ यहाँ से भी 1.5 घंटा एयरपोर्ट तक लगता है। तो आई गेस 4 o'clock निकलेंगे तो 5:30 तक पहुँचेंगे, एंड देन 7:10 की फ़्लाइट है, तो थोड़ा सिक्योरिटी चेक इन और ये सब भी होना है। सो यस, अभी 3:20 हो रहा है, विराज को उठाना बाकी है, बस चाय बन रही है, पीके जी रेडी हो रहे हैं, मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ। अभी मेरा चेहरा थोड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा नींद नींद में, बिकॉज हम लोग सोए भी एक्चुअली 1:30 पे थे, तो बस 1.5 घंटे की नींद हो पाई है। सो यस, जल्दी से चाय पी लेते हैं और चाय पी के फिर निकलते हैं। एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 5:40 का, तो अभी हमारी 7:10 की फ़्लाइट है, तो अभी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो हम लोग अभी वेटिंग में हैं। आप देख सकते हो भीड़ बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट यस मॉर्निंग के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, आपको दिख ही रहा होगा। सो यस, वी आर एक्साइटेड, विराज की ये फर्स्ट फ्लाइट ट्रिप है, तो
हम लोगों को थोड़ी ये टेंशन हो रही है कि वो फ्लाइट में बस परेशान ना करे, तो लेट्स सी कैसा रहता है। हाय गाइस, वेलकम बैक। सो जस्ट नाउ अभी हम लोग पहुँचे हैं हैदराबाद एयरपोर्ट पे। तो एक्चुअली हमारा एक फ्रेंड पिक करने आ रहा है, तो हम उसी का वेट कर रहे हैं। और विराज तो फ्लाइट में सो गया, उसने तो टेक ऑफ के मज़े ही नहीं लिए और ना उसने लैंडिंग के मज़े लिए। टेक ऑफ से पहले जग रहा था और लैंडिंग के बाद अब फिर से जग रहा है। तो ये है हमारे विराज। तो ये हमारे विराज, इन्होंने कोई मज़े नहीं लिए टेक ऑफ के और लैंडिंग के, बस पूरी फ्लाइट में सोते हुए आए हैं। और ये हैदराबाद एयरपोर्ट खाली खाली है, ज़्यादा रश नहीं है। तो बस अभी हम लोग अपने फ्रेंड का वेट कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे होटल। और जो फ्रेंड हमें पिक करने आ रहा है, बस उसी को पता है कि हम लोग हैदराबाद आए हैं। हमारे बाकी सारे फ्रेंड्स के लिए सरप्राइज़ है। तो अभी जो पिक करने आ रहा है उसके साथ हम मिलकर डिसाइड करेंगे कि हमें उन सबको कैसे सरप्राइज़ देना है। तो यस, जुड़े रहिएगा मेरे ब्लॉग में एंड तक, सो दैट आपको पता लगे कि हमने कैसे सरप्राइज दिया। जिसको बता रहे थे कि जिस अकेले आदमी को पता है वो ये बैठा है। सो
we have reached our hotel and we are waiting for check-in. रूम क्लीनिंग हो रहा है एक्चुअली, सो हम थोड़ा वेटिंग में हैं. फॉर्मेलिटीज़ वगैरह सब हो गई है और ये है विराज. सो हमारा फ्रेंड हमें ड्रॉप करके चला गया है एंड हम लोग का प्लान है 1 बजे मिलने का बाकी फ्रेंड्स से. तो सरप्राइज़ का कैसा रहेगा जो भी रहेगा, मैं रिकॉर्ड कर पाई तो मैं करूँगी. और विराज बहुत खुश है, फर्स्ट फ्लाइट ट्रिप थी उसकी. ओके सो हम लोग रूम में पहुंचते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं और फिर जैसा भी होगा विल लेट यू नो. फाइनली हम लोग रूम में आ गए हैं, उन्होंने हमें थोड़ा जल्दी दे दिया, 10:30 पे दे दिया रूम. ओके सो 12 बजे चेक इन टाइम है इनका और हम लोग यहाँ पे 10 ही बजे पहुँच गए थे. तो इन्होंने बोला कि 11 बजे हम आपको दे सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, बट वैसे हमारा 12 का टाइम है. सो फिर उन्होंने देखा हमारे साथ राज भी हैं जो कि परेशान हो रहे थे, तो उन्होंने हमें 10:30 पे दे दिया. तो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है बेसिकली, रूम्स अवेलेबल थे तो उन्होंने दे दिए. और रूम हमारा काफ़ी क्लासी सा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा रूम, मैंने आपको दिखाया ही है अभी. तो बस अभी हम लोग थोड़ा फ्रेशन अप होंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, विराज थोड़ा दूध वगैरह पियेंगे, कुछ खाने वाने के लिए मंगाते हैं और उसके बाद हम लोग का कितने बजे है प्लान मिलने का? 1 बजे हम लोग का प्लान है मिलने का. कहाँ पे? सो हैदराबाद में एक जगह चॉकलेट रूम, हम वहाँ पे मिलेंगे. सो जैसा भी होगा आई विल शेयर. तो ये हैं कैशू नट्स सॉल्टेड और ये हमें मिले हैं इंडिगो की उड़ान में. तो अभी हम इन्हें एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं. और ये हमारे विराज, इनको पानी की बॉटल्स मिल गई खेलने के लिए, तो ये यहाँ पे मगन है. हम थोड़ा ये खा रहे हैं अपना फ्लाइट का बचा कुचा सामान और अभी हम ऑर्डर करने वाले हैं चाय. और साथ में क्या मंगा रहे हैं? साथ में इस आदमी को खाना है पास्ता. पहुंच चुके हैं चॉकलेट रूम और ये है विराज और ये वही जगह है जहाँ पे हम पहले बैठा करते थे. तो अभी हम अपने एक फ्रेंड का वेट कर रहे हैं जो हमें पिक करने आया था, तो वो आ रहा है पहले, दूसरा फ्रेंड उसके बाद आएगा. तो दोनों अपनी अपनी गाड़ी से अलग अलग आ रहे हैं. तो हम सबसे पहले पहुँच गए हैं क्योंकि सबसे पहले हम ही हैं. ये पी के जी विराज. सो यस, जैसे ही वो लोग आएंगे तो मैं रिएक्शन कैप्चर करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी. तो ये है वो गाड़ी जिसमें हमारा फ्रेंड आ रहा है अपनी वाइफ को लेकर और बस उसे यहाँ से ऐसे यू टर्न लेना है और यहाँ आ जाना है. तो बस कुछ ही मिनटों में हम मिलेंगे और अब बस वो यू टर्न ले रहा है.